अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सेंग की चटनी। ये कच्ची सेंग है, ये हमने ले ली है 1 कप। और हमें राई दाना की ज़रूरत पड़ेगी, नमक है, लहसुन की 4 कलियाँ ली हैं, कड़ी पत्ते कुछ लिए हैं, 3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी हरा धनिया है। तो सबसे पहले हम सेंग को, जो मूंगफली के दाने हैं, इनको हम सेक लेंगे और इनका छिलका उतारेंगे। इस तरह से सेंग को हम रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब इसे हम ठंडा करके इसका छिलका उतारेंगे। देखिए ये सेंग भुन गई है, इसको हमने साफ कर लिया है। अब हमें मिर्ची और धनिया और जो लहसुन हमने लिया है इसको पहले ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए ये हमने चटनी बना ली है, अब इसी में हम सेंग डाल के ग्राइंड कर लेंगे और नमक भी ऐड कर देंगे। ये देखिए ये चटनी बन गई है, अब हम इसे ऊपर से तड़का देंगे। तेल में हमने राई डाल दी है, राई कड़क गई, उसके बाद कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये चटनी बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे गीली भी बना सकते हैं, हमने सूखी बनाई है। इस तरह से भी ये चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप भी बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।